वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो सत संगत, आप जी लड़ीवार प्रोग्राम 1947 का संताप देख रहे हो। इस प्रोग्राम नू केवल मैं अपने बुजुर्गड़ी का शुरू करन दा मकसद यह सी कि तकरीबन एक साल पहला सत संगत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों साढ़े बुजुर्गों एक रिलीफ दिता गया। उन्होंने साढ़े पांच लाख रुपया रिलीफ के दिता गया और उन्होंने समय के मेरी जी ड्यूटी जम्मू के सीएम उस जम्मू के जोड़ा पी आर ओ दफ्तर से साढ़े बिल्कुल नाल हों बजुर्ग रजौरी पुंछ इन इलाकों के आना उन्होंने और आरसपुरा कठुआ पूरे जे एंड के स्टेट जिथे रेंदे सी इलाका एक योजा सी पी आर ओ ऑफिस जिथे उ कोई गड्डी टांगा नहीं जिहड़ा अपनी प्राइवेट कन्वेंस कोई जाए इदा जी आम सर्विस नहीं और बड़े बड़े तकरीबन असी 85-85 90-90 साल के मैं बजुर्ग वेखे भी उन्होंने अपने हाथ च कागज़ फड़े होने तो वो एकदम चढ़ाई के उत्ते जिहड़ा है दफ्तर है उन्होंने आना तो साढ़े उत्थे बारे बन्ने एक फ्रिज लगा सी उत्थे उन्होंने पानी पीना और उत्थे काफ़ी समा बैठ के उन्होंने जिहड़ा सी नाले पानी पीना तो उत्थे समझ लो एक दम लैना तो बड़ी बार मन च आता सी भी ये साढ़े वो बजुर्ग ने जिहड़े अज एक किलोमीटर तुरदियां भी इन्हां नूं इत्थे जिहड़ा हलटां करनियां पैंदियां ने पर यही बजुर्ग ने जिहड़े 7 दिन लगातार मुजफ्फराबाद तो चल के जां इधर इलाकों चो चल के जिहड़े ने पुंछ पहुँचे ने और एकदम भुखे इन्हां दे पैरां दे विच जुत्तियां भी नहीं और फटे कपड़ियां दे विच और उस तों बाद पुंछ दे विच लंबा समां इन्हां बजुर्गां ने उत्थे बड़ी एक कष्ट सहाया नगरोटे आ के इत्थों दी तपदी रेत गर्मी लकड़ां दे भार वढ वढ के जम्मू टके टके दे उत्ते रुपये रुपये ते वेच के परिवार पालने उस तों बाद इन्हां कैंपां दे विच चाहे सिंबल कैंप भोर कैंप चट्ठा कैंप कैंपां च इन्हां ने अपना टाइम कढ़ना उस तों बाद उन्हां ने सत्संगत इत्थे जिहड़ा सी अपने किरते छोटे छोटे काम ट्रांसपोर्ट लाइन के लंबा समा हडपन्नियां मेहनतां गुरद्वारा साहिबाना के सेवादारियां करके इन्हां ने अपने बच्चे पाल के जिहड़ा सी नवें सिरों इन्हां नूं इन्हां 73-74 सालों के एक सुंदर द्वारा उहो जिहा वातावरण दे दिता जालीशान घरां जसी हाँ। उन्हां बजुर्गों के कोल अक्सर जदों वो मैं कितें बैठ के कोई विचार करता सी ते हर एक बजुर्ग की आपो अपनी कहानी और नवीं तो नवीं सी मेरे मन च सी कि उन्हां इन्हां बजुर्गों की कहानी लिखी जाए फिर मन च आया भी कहानी तो लिखी जाएगी पर साडे समाज दे विच पढ़न दा रुझान साडे समाज चों खत्म हो चुके है इस करके इहनूं पढ़ेगा कोई नहीं। इहदे कोल वधिया भी इस सोशल मीडिया की वरतों करके इन्हां दीआं डाकूमेंटरियां जिहड़ियां ने इदां दी जिहड़ियां छोटे छोटे शार्ट इंटरव्यूज़ करके बाहर कढ़े जाण। मैं एक इदां ही एक जिहड़ा ट्राई दे तौर ते शुरू कीता हर एक बजुर्ग की कहानी और लाजवाब उन्हां दा एक्सपीरियंस और बड़ी स्ट्रगल। मैं हैरान हाँ जिहड़े उस वक्त दे टीचर लगे हुए सी उह दिने टीचर पर जदों वापस आ के 10-10 जम्मू दे विच 12-12 एकड़ जमीना जिहड़ियां ने उह लोकां दीआं लै के उह बंधे रहे ने और उन्होंने उत्ते जिहड़ी सी हल लड़ाई बिजाई करके परिवार पालते रहे ने। इन्नी ज़्यादा स्ट्रगल इन्नी ज़्यादा मेहनत जदों ये सारा कुछ हौली हौली सामने आया मन में आया भी क्यों ना इनू वड्डे पद्धर ते ले जाया जाए। कुदरती अजे मैं इन्हां नौजवान जिहड़े बजुर्गों के तकरीबन 400 के करीब इंटरव्यू किए रजौरी पुंछ जम्मू कठुआ पंजाब दे विच भी जिहड़े चले गए ने जित्थों तक मेरे कोल पासीबल हो सकिया मैं गया उन्होंने करके आप जी के सन्मुख लियाउण दा यतन किया। जिहड़े विदेशों के साडे वीर ने उन्हां वल्लों एक बार बार एक गल ते जिहड़ा सी जोर दिता जा रहा है कि वीर जी हर एक बजुर्ग एक गल कहिंदा भी ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह साडे वास्ते रब सी उहदे वास्ते कोई कम किया जाए। मन दे विच सोच ही रहे सी कि भई पहला ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह बारे एक सही जानकारी इन्हां बजुर्गों तो हासिल की जाए। इस संबंध में जदों पुंछ उन्हां दूर दर इलाकों के गए मैं हैरान हाँ भी ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह भी जे जंग लड़े ने उन्हां दी बहादुरी तो है ही है पर उन्हां दे नाल जिहड़ा लड़िया है वह साढ़े बजुर्ग लड़े ने और उस वक्त ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जदों आए उन्हां दे कोल बड़ी थोड़ी जी फौज सी। साढ़िया बजुर्गों ने यह गल कही भी जे तुसीं कहो तो तुहाडा साथ दईए साढ़िया बजुर्गों के साथ नाल उसने उस वक्त एक जवान अपना भेजना बाकी साढ़े साढ़े बजुर्ग और वड्डियां वड्डियां फिकटां दे उत्ते जाके नंगे पैरीं साढ़िया बजुर्गों ने तोड़ेदार रैफलां दे नाल अज जे हिंदुस्तान दे धरती दे नाल किते पुंछ दा ओ मैंडर पुंछ दा सुरंगकोट बतार तो पारले पासे खड़ी ये इलाका नाम जुड़दा है ये साढ़े बजुर्गों के सिरां सिरे इहदा सिरे साढ़े बजुर्गों के सिरां ते जांदे ने। इस तरह जे किते मीरपुर की गल करिए तो इधर नौशहरा इलाका जी अज हिंदुस्तान के नक्शे विच है साढ़े बजुर्गों करके किला दराहल एक ही किला है जिहदे विच उत्थों दे महाराजे की फौज जिस तरह के महाराजे का रसाला रावलाकोट तो नस गया सी इस तरह इस इलाके चों भी नस के अखनूर आ गया
पर साडे बजुर्गों ने कहा असीं नहीं जावांगे, फौज बेशक चली गई। जथेदार राम सिंह की अगवाई दे विच चार उत्थे पिकटां बना के वह किला जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह दे समय तो बनिया सी उहदे विच सारा पिंड जिहड़ा सी इकट्ठा करके उन्होंने 5-6 महीने का राशन एडवांस पानी एडवांस सारा बंदोबस्त करके वह डट गए और तकरीबन 2.5 महीने तक वह कबाली जिन्होंने तकरीबन 7 दिनों के पूरे का पूरा मुजफ्फराबाद बाग पलंदरी हड़प लिया से उन्होंने लोगों को साडे बजुर्गों ने 2.5 महीने तक रोक के रखे। 2.5 महीने तो बाद इन चारा जथेदारा की जो उ शहादत होंगी है उन्होंने शहादत तो बाद इन उ संस्कार किए जाते हैं, फिर उस तो बाद फौज आती है तो यह इलाका हिंदुस्तान के नक्शे जुड़ता है। योजे बड़े बहादरी के किस्से साडे बजुर्गों ने और बहुत बहुत बहादुर जोड़े इन्होंने उस वक्त काम किए ने। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की फौज के लंगर के वास्ते एक माता मेंढर के विचों 1.5 मन मक सिर ते चुक के लैके आती है और वह माता नानकी जी बाद दे विच ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह वालों सन्मान किया जाता है। जो भी उन्होंने बजुर्गों के क्योंकि 5-7 साल तो बाद यह गल केवल असी उन्होंने बच्चों को सुनांगे भी साडा पिता जी कहिंदे सी, पर अज मौका है वह बजुर्ग साडे कोल ने। मेरी कोशिश है वध तों वध इन्हां बजुर्गों के कोलों कोई ना कोई जिहड़ा सी वह पुरातन खजाना लैके आप जी दे सामने परोसिया जाए। इस संबंध में वीरां दे इस जिहड़े हलारे दा सदका असी जिहड़ा प्रोग्राम ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह वाहगुरु 1947 का संताप जिहड़ा नाम रख के हर एक इलाके दे विच एक शार्ट डाकूमेंटरी इलाका वाइज जिहड़ी बनाना शुरू की, जिस तरह कल का जिहड़ा सी शूट साडा इस तों बाद असी थोड़े जे क्लिप उहदे पावांगे, वह शूट असी कल नूं कीता है जिहदे विच नौशहरे दे विच किला दराल दे विच जिहड़ा जंग होई जिहदे विच साडे वह योधे जिहड़े शहीद होए ने और हिंदुस्तान दे नक्शे दे विच इस नूं जोड़िया गया उन्हां दी शहादत उस पूरे किले दा जिहड़ी इमारता कल नूं असी शूट की है। इस तरह पड़ाव दर पड़ाव इस तों बाद जिहड़े बुद्धल दे विच साका वापरिया जिहड़ा इत्थे तलवाड़े दे विच वापरदा इस तरह कश्मीर दे विच सतरनाम दे विच जिथे जिथे भी जा पुंछ दे विच वापरदा है सारे का सारा एक डाकूमेंटरी रूप च तक साडी आने वाला समाज नूं वेखे आप जी दे सामने लैके आ रहे हैं। आप दे चरणा च इको ही बेनती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मेहनत करके चीज़ां बनाईयां जांदियां ने। लंबा समा कल पूरा दिन की जी सवेरे साडी 6 बजे तुरे सी असी और शाम तक जिहड़ा शूट सी और भाई साहब कह रहे सी कि खिंच के ये जी 35 मिनट की डाकूमेंटरी निकलेगी, जिस च तुहाडा पूरा दिन कल का सिर्फ शूट तो लगे बाद च इहदी एडिटिंग जां होर सिस्टम वो अलग इन्ना समा ला के जो बनाया जाएगा। आप सारयां दे चरणां च बेनती है कि वध तों वध इस चीज़ नूं अपने आने वाली जनरेशन और दुनिया दे विच एक जम्मू कश्मीर दे विच एक साडे वास्ते आम लफ्ज़ वरत्या जाता साडे साबत सूरत जिहड़ा चेहरा ये दुनिया दे विच साडी सिखी दी है जिथे जय जयकारा ने उत्थे आओ दुनिया नूं दसीए कि साडे बजुर्ग भी असी उन्हां बहादुर दी वंश दे विचों आ जिन्हां ने उस वक्त दे जिहड़ी है वह फौज जिसनों दुनिया के लोग उस वक्त जिहड़े सी पठान करके जां कबाली करके जाणदे सी साडे बजुर्गों ने उन्हां दे भी मूँह मोड़ दिते। सो सतसंगत इस सतगुरु चतुर पातशाह के चरणों के अरदास करनी, सतगुरु साडी पूरी दी पूरी टीम तो ये सिर पर मेरा भरिया हाथ रख के साडे कोलों इह सेवा लैण जी। सो बड़ी छेती असी कोशिश करांगे कि सारे की सारी पूरी डाकूमेंटरी जी बन जाए और जिदा पड़ाव दर पड़ावे बनती आप जी के रूबरू असी इनू लियाउण दा यतन करांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नाल ही एक बेनती है, जे कोई बुजुर्ग जिन्हां दे कोल कोई उस वक्त की कोई इतिहासिक निशानी जिहड़ी वो उत्थों लैके आए होण कोई इहो जी चीज़ किसी परिवार दे विच भी आ साडे नाल जरूर संपर्क करो, स्लाइड ते साडा नंबर है ताकि असी उहनूं भी इत्थे शामिल कर सकीए, जां किसी दे कोल कोई इहो जिहा होर जिहड़ा जिहड़ी अहम जानकारी जिहड़ी इस डाकूमेंटरी दे विच साडा साथ दे सकदी है वो किसी भी कोने विच होवे एनी कास्ट दे उत्ते असी लिआउण वास्ते तैयार हाँ, कृपा करके साडे नाल जरूर संपर्क करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।